अजान का जवाब देना क्या है? आपका ऑप्शन है ए सुन्नत है, बी मकरूह है, सी मुस्तहब है, डी वाजिब है। अब आपका वक्त शुरू होता है। सही जवाब है सी मुस्तहब है। औरत का अजान देना कैसा है? आपका ऑप्शन है ए जायज़ है, बी मुस्तहब है, सी मकरूह तहरीमी है, डी मकरूह तंजीही है। अब आपका वक्त शुरू होता है। सही जवाब है सी मकरूह तहरीमी है। अजान व इकामत किस ज़बान में कहनी चाहिए? आपका ऑप्शन है ए उर्दू, बी अरबी, सी फारसी, डी हिंदी। अब आपका वक्त शुरू होता है। सही जवाब है बी अरबी ज़बान में। बैठकर अजान कहना कैसा है? आपका ऑप्शन है ए मकरूह है, बी मुस्तहब है, सी जायज़ है, डी हराम है। अब आपका वक्त शुरू होता है। सही जवाब है ए मकरूह है। नापाकी की हालत में अजान व इकामत कहना कैसा है? आपका ऑप्शन है ए जायज़ है, बी मकरूह तहरीमी है, सी मुस्तहब है, डी दुरुस्त है। अब आपका वक्त शुरू होता है। सही जवाब है बी मकरूह तहरीमी है। एक मुअज्जिन का दो मस्जिदों में अजान देना कैसा है? आपका ऑप्शन है ए सुन्नत है, बी मुस्तहब है, सी मकरूह है, डी तीनों नहीं। अब आपका वक्त शुरू होता है। सही जवाब है सी मकरूह है। फ़र्ज़ नमाज के लिए अजान देना क्या है? आपका ऑप्शन है ए फ़र्ज़ है, बी सुन्नत है, सी वाजिब है, डी मकरूह है। अब आपका वक्त शुरू होता है। सही जवाब है बी सुन्नत है। अजान देते वक्त उंगलियों को कानों में डालना क्या है? आपका ऑप्शन है ए सुन्नत है, बी वाजिब है, सी मुस्तहब है, डी फ़र्ज है। अब आपका वक्त शुरू होता है। सही जवाब है सी मुस्तहब है। पागल और नासमझ बच्चे का अजान व इकामत कहना कैसा है? आपका ऑप्शन है ए मकरूह है, बी हराम है, सी दुरुस्त है, डी तीनों नहीं। अब आपका वक्त शुरू होता है। सही जवाब है ए मकरूह है।